आपकी आवाज बहुत कम है, प्लीज थोड़ा लाउड बोले। ओके, आवाज सही आ रही है अब? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, कंटिन्यू करें प्लीज। मेरा नाम है मोहम्मद हसन अयूब, मैं लगभग मेडिकल कॉलेज से पढ़ रहा हूँ। मैंने 2016 में भी MDCAT का टेस्ट दिया था, 2017 में भी MDCAT का टेस्ट दिया था, एक रिपीटर हूँ। और 2017 के MDCAT टेस्ट में मेरे 1028 मार्क्स थे। और अब मैं आपको MDCAT की बायोलॉजी के बारे में गाइड करूँगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सबसे पहले बायोलॉजी, हाँ बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले क्या हम लोग नोशन रखने हैं अपना, कि बायोलॉजी सबसे आसान है, इसको सबसे एंड पे करेंगे, इसको साथ साथ ही करना, इसको आखिरी। हसन, आपकी आवाज़ फिर काफ़ी कम हो गई है, प्लीज़ अपना माइक करीब कीजिए। और ठीक है अली रजा, आप अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए, प्लीज़ कंटिन्यू। ओके ओके, सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में जो सबसे पहले हमारा नोशन होता है वो ये होता है कि बायोलॉजी बहुत आसान है, इसको सबसे आखिर पे करेंगे, इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत कोई नहीं है, बहुत आसान है, इसलिए सबसे आखिर पे इसको छोड़ देंगे। अब साथ साथ तो करते नहीं है, एंड पे आखिर पे एक बर्डन सा आ जाता है आप पे। तो सबसे पहले तो आपने ये काम करना है कि आपने बायोलॉजी को साथ साथ लेके चलना है, इसको बिल्कुल आपने एंड पे छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप साथ साथ लेके चलेंगे तभी आप पे आपके लिए एक्सपोर्ट होगी, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में जो आपके मार्क्स कटेंगे या आपके एमसीक्यूज गलत होंगे वो आपके करने हैं। बायोलॉजी की कोई बात नहीं है कि आसान है, वाकई बहुत आसान सब्जेक्ट है, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी केयरफुल भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो एंड पे ये आपके 4 से 5 एमसीक्यूज आपके गलत हो जाएंगे इसमें से, और वो आपका पूरा का पूरा एग्रीगेट, आपका एक पूरा नंबर गिर जाएगा नीचे की तरफ। तो सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में जो मेन गाइडलाइन है कि आपने हर चैप्टर को 2 दफ़ा रीड करना है। हम लोगों ने क्या सोचा हुआ होता है कि हम लोगों ने बायोलॉजी को बहुत ज़्यादा रट्टा लगाया हुआ होता है, हम लोग समझते हैं हमें सब कुछ आता है, लेकिन नहीं, चाहे आपको आता है चैप्टर या चाहे आपको नहीं आता, जब आप फर्स्ट टाइम उसको रीड कर रहे हैं आपने उस चैप्टर को लाजमी तौर पर 2 दफ़ा रीड करना है। फिर उसके बाद चैप्टर में सिर्फ रीडिंग का मटेरियल ही नहीं होता, चैप्टर में डायग्राम्स होती हैं, चैप्टर में डायग्राम्स के नीचे लिखी हुई इंफॉर्मेशन होती है, काइंडली वो लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि इस दफ़ा जो MDCAT 2017 में हुआ था उसमें उसने डायग्राम्स भी दी थी, चाहे वो कैंसल टेस्ट था या चाहे वो रिकंडक्शन थी, और उसने डायग्राम्स के नीचे लिखी हुई इंफॉर्मेशन भी पूछी थी। उसके बाद जब भी कोई चैप्टर आप तैयार करते हैं उसके बाद लाजमी तौर पे उसका प्रैक्टिस मटेरियल आपने पास रखा करें और उसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं किसी चीज़ को आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है उस चीज़ का कि हमने ये चैप्टर कर लिया है, प्रैक्टिस कर ली है, अब हमारे पास एक प्लस पॉइंट आ गया है, हमारे पास कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की एक चीज़ आ गई है कि अब हमने नेक्स्ट चैप्टर करना है, ये चैप्टर हमारा तैयार हो चुका है। और ये टेंशन ना लें कि बायोलॉजी की इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, नहीं, बायोलॉजी की सिर्फ इतनी ही प्रैक्टिस करनी है जितनी आप थोड़ी बहुत कर सकते हैं। बायोलॉजी में ज़्यादा आपने रीडिंग पे फोकस रखना है, क्योंकि बायोलॉजी एंड पे आपका पूरा एक नंबर एग्रीगेट करने आने वाली है। अपने 5 से 6 एमसीक्यूज आपने बायोलॉजी से सिक्योर करने हैं। फिर उसके बाद जैसे कि आप देखेंगे कि जो अकेडमिक टेस्ट बनाती है बायोलॉजी का, उसमें वो बहुत ज़्यादा मुश्किल एमसीक्यूज दे देते हैं, कॉन्सेप्चुअल वाइज एमसीक्यूज दे देते हैं, कोई ऐसा एमसीक्यूज देते हैं जो आपकी बुक में होता ही नहीं है, और आप सब लोग उस एमसीक्यूज को लेके बैठे हुए होते हैं कि नहीं ये तो वो पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया, हमें तो हमने पढ़ा ही नहीं है, उसके बारे में टेंशन लेना ही छोड़ दें, बल्कि उसे स्किप कर दें टेस्ट के अंदर से। फिर उसके बाद आखिरी वैसे पॉइंट मैं फिर बता दूंगा आपको कि बायोलॉजी आपका बैकअप है, बायोलॉजी आपकी सपोर्ट है, आपने जो मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री या इंग्लिश से आपने लूज करने हैं वो बायोलॉजी ने ही आपको ला के देने हैं। आप बायोलॉजी को बिल्कुल अपने ये जेन से निकाल दें कि बायोलॉजी आसान है, यही है, एट द एंड बायोलॉजी ही आपका एग्रीगेट बनाने में आपकी हेल्प करेगी और एग्रीगेट कम करने भी आप में आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। सबसे पहला पोर्शन आ गया सेल बायोलॉजी का, सारा पोर्शन आपके सामने लिखा हुआ है, ऐसा कोई इसमें से चीज़ ऐसी नहीं है जो आपकी बुक से बाहर हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, ये चैप्टर सबसे पहले तो ये सारा का सारा क्रैमिंग है, उसके बाद जब आप इसको मुकम्मल थोड़ी तौर पर 2 दफ़ा रीड कर लेंगे ना, तो इसको मुकम्मल तौर पे आपके MDCAT में जितने भी MCQs इसमें आने वाले हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। हर रीड करने का मतलब आपको पहले मुकम्मल करना, डायग्राम्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, उनके नीचे लिखी हुई सारी इंफॉर्मेशन रीड कर लेना, तभी आपको क्लियर होगा। फिर उसके बाद
बाद एमसीक्यूज फ्रॉम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम लाइसोसोम्स न्यूक्लियस, ये तीन ऐसी ऑर्गेनेल्स हैं जिनमें से हर साल वो एक या दो एमसीक्यूज बनाता रहता है हर ऑर्गेनेल में, यानी कि तकरीबन 4 से 5 एमसीक्यूज इन ऑर्गेनेल में से लाजमी आने, तो इनको तो आप अपने फिंगर टिप्स पे रख लें। फिर उसके बाद जो डिफरेंसेस हैं उनकी आप एक काम करें, एक छोटी सा लिस्ट बना के आप अपने पास प्रैक्टिस मटेरियल की रख दें, जब भी डिफरेंस तैयार करना उसको एक दफ़ा देखा और कवर किया, बाबा बुक से ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओके, और मेरे ख्याल से इस चैप्टर की शॉर्ट लिस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो आपने मेन काम करना है, जब आप रीड कर रहे होते हैं जो इंपॉर्टेंट लाइन्स होते हैं मार्क कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, सिलेबस आपके सामने है, इसमें से ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो सेकंड ईयर की है या फर्स्ट ईयर की बुक में से ना हो, लेकिन स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड कैसे है वो आपको मैं बताता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज करिएगा एक दफ़ा। ओके, स्कैटर्ड इसमें ये है कि जो आपके पास डीएनए और आपके पास जो आरएनए का मटेरियल है, या हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर जो डीएनए आरएनए के बारे में लिखा गया है सिर्फ वही कर लेते हैं। नहीं, इसके बाद आप लोग सेकंड ईयर का याद रखिए, सेकंड ईयर का डीएनए और इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है, उसके अंदर भी उसने डीएनए और आरएनए पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके चीजों को दिया हुआ है, वो पोर्शन भी करने हैं आप लोगों ने, क्योंकि जो टेस्ट कैंसिल हुआ था उसमें 2 से 3 जाते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, जो इसमें मेन चीज इस चैप्टर के बारे में, सबसे पहले तो अपना डिफरेंस बिटवीन मोनोसैकेराइड्स और लाइगोसैकेराइड्स पॉलीसैकेराइड्स की लिस्ट बना के रख लें, ताकि बार बार चैप्टर से रीड ना करना पड़े इन चीजों को अलग से। फिर उसके बाद जो जितने भी स्ट्रक्चर्स दिए हुए, चाहे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में दिए हैं उसने, या चाहे उसने सेकंड ईयर के डीएनए वाले चैप्टर में स्ट्रक्चर्स दिए हैं, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपने करने हैं, क्योंकि 2016 के टेस्ट में स्ट्रक्चर आया था सेकंड ईयर की बुक में से, 2017 के टेस्ट में भी जो स्ट्रक्चर आया था वो सेकेंड ईयर की बुक से ही आया था, तो आपने लास्ट तो आप स्ट्रक्चर्स को देख लेना है, क्योंकि अब वो स्ट्रक्चर्स के एमसीक्यूज दे रहा है बीच में। उसके बाद फाइब्रस प्रोटीन और जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, इनका डिफरेंस फिंगर टिप्स पे रखें अपना, क्योंकि जो डिफरेंस होते हैं वो हमेशा कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए उनसे लाजमी तौर पे उनको अच्छे तरीके से तैयार करने, ताकि कोई भी डिफरेंस आए तो आप जल्दी से उसे पिक कर लें। उसके बाद डीएनए आरएनए क्राइमिंग मटीरियल पहले बता चुके हूँ, सिर्फ फर्स्ट ईयर की बुक से नहीं करना, सेकेंड ईयर की बुक से भी करना है। फिर उसके बाद इंजाइम्स, अब अगर आप एक दफ़ा अच्छे तरीके से रीड कर लेते हैं ना, आपको दूसरी दफ़ा रीड करने की जरूरत नहीं, लेकिन एंजाइम्स में जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं, एक पीएच का टेबल और एक इनहिबिटर्स का टॉपिक। इनहिबिटर के टॉपिक से वो हर साल एमसीक्यूज दे रहा है, कभी वो डायरेक्ट लाइंस दे रहा है, कभी वो स्ट्रक्चर्स दे रहा है, कभी वो डायग्राम्स दे रहा है, मतलब कि वो हर तरीके से घुमा फिरा के इस टॉपिक पे आ रहा है, तो इस टॉपिक को अच्छे तरीके से गेन कर लीजिएगा। और साथ है आपके पास पीएच का टेबल, पीएच का टेबल आपने रट्टा ही लगाना है, और तो उसको तैयार करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वह हर साल किसी न किसी तरीके से पूछ रहा है, कभी डायरेक्ट वैल्यू पूछ रहा है, कभी किसी कॉन्सेप्ट के जरिए पूछ रहा है, कभी वो डायग्राम बना के पूछ रहा है, कभी वो ग्राफ बना के पूछ रहा है, तो पीएच टेबल को लाजमी तौर पर कर लीजिएगा। जो चीज़ें मैं आपको अलग से सेपरेट करके बता रहा हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग स्किप कर जाते हैं, या हम सिंपल एक गो थ्रू करने वाला काम करते हैं, लेकिन इन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ हर साल वो रिपीट कर रहा है पेपर में। अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हैं तो आप पास पेपर्स देख लें उठा के, आपको ये चीज़ें सारी नज़र आएंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। माइक्रोबायोलॉजी वो चैप्टर है जो सबसे हेल्थी है, क्योंकि इसके अंदर उसने 4 टॉपिक्स को इकट्ठा करके लिखा हुआ है, और सबसे ज़्यादा कम वेटेज वाला, मतलब उसने तकरीबन 4 से 5 एमसीक्यूज से पूछने हैं, वायरस है, बैक्टीरिया, फंजाई है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज करिएगा। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, माइक्रोबायोलॉजी इज लेंथी बट वेटेज इज लेस एंड एमसीक्यूज आर आल्सो डायरेक्टली, इसके अंदर से कोई कंसेप्चुअल एमसीक्यूज नहीं बन सकता, क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल उसने डायरेक्ट टू डायरेक्ट देने हैं, इसलिए आपको मुकम्मल तौर पर रीड करने वाला काम है। क्रैमिंग करें इसकी, इसको एक दफ़ा रीड करें, बहुत थॉरली करें, लेकिन इसको ज़रा सवाल करने की जरूरत नहीं है। सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें वो यही हैं कि वायरसेस को आपने मुकम्मल तौर पर करना है, क्योंकि वायरसेस में से वो एमसीक्यूज 2 पूछ रहा है, तो वायरसेस का टॉपिक आपने लाजमी तौर पर करना है मुकम्मल तौर पर।
जो रोवायरसिस में इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल्स है, उसकी डिजीज रिलेटेड है एड्स और हेपेटाइटिस। एड्स अच्छी तरीके से करनी है, एड्स का लाइफ साइकिल, एड्स का जो डिजीज साइकिल है वो मुझसे कुछ ना कुछ लाजमी पूछ सकता है आपसे, और वो उसने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, इसलिए एड्स लाजमी करिएगा। उसके बाद बैक्टीरिया जो है उसके अंदर आपके पास जो उसके टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है वो का एस्परेला बैकेला है, ये आपने इंपॉर्टेंट चीज, इनमें से वो हर साल एमसीक्यूज बना लेते हैं। और इनमें से और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो ग्राम बैक्टीरिया और जाए में आपकी आवाज बहुत स्लो हो जाती है, काइंडली अपनी आवाज। ओके, तो चाय में दो छोटी चीजें आपको याद रखनी है वो यही है, एक उसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, इन दो में से एमसीक्यूज बनेगा। उसने इस दफा रिप्रोडक्शन भी दी हुई है, न्यूट्रिशन भी दी हुई है, मेरा भी ख्याल है कोई पूछेगा, लेकिन इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस और ना ना Next slide, please. बाकी अपने माइक ऑफ रखें प्लीज। ओके, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया इस दफा उसने पहले इसमें से 5 एमसीक्यूज होते थे, इस दफा उसने 3 या 2 एमसीक्यूज कर दिए इसमें से। तो इस चैप्टर पे भी आप एक आप चीज ध्यान में रखें कि जो चीज वेटेज में ज्यादा है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो वेटेज में कम है उसे लेस इंपॉर्टेंस दे, क्योंकि एनिमेलिया की इंपॉर्टेंस सब पहले से बहुत कम होगी, 5 से 2 एमसीक्यूज होंगे। इसमें जाकर मैं सब कुछ लिखा गया है कि इसके अंदर जो उसके टर्म्स दी हुई है, इस टर्म्स का बुक में अलग से हर टर्म को अलग से एक्सप्लेन किया गया। हम लोग या तो सिर्फ कम्प्लीटली डेफिनेशन कर लेते हैं भाई या फिर एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, नहीं, जो बुक के अंदर इन टर्म्स नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, चाहे वो एक पेज की है चाहे वो 2 पेज की, जैसी भी है वो पूरी की पूरी करनी है। उसके बाद जो नीचे फाइलम्स आए हुए हैं, फाइलम्स में अब आपने सिर्फ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस नहीं करनी, फाइनल फाइलम्स में इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के साथ आपने अब जो उसकी जनरल और सैलिएंट फीचर्स हैं वो भी करनी है, क्योंकि जो 2017 का टेस्ट आया था उसमें उसने सैलिएंट फीचर्स ही पूछे थे बनिस्बत इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के। टेनिंग फीचर्स लाजमी करिएगा, टेनिंग फीचर्स ये नहीं कि आपने सारे के सारे तैयार कर लेने हैं, नहीं, हर फाइलम के अलग से एक पेज पे या कहीं भी शॉर्ट लिस्टिंग कर लें उसके जनरल फीचर्स की, क्योंकि वो जनरल फीचर्स ही पूछ रहा है, आपसे ज़्यादा डीप करके नहीं पूछेगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आगे अब आपका आ गया है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो आपकी आई है आगे, इसमें से आपके तकरीबन 44 एमसीक्यूज बन गए हैं, 44 एमसीक्यूज आपकी आधी बायोलॉजी कवर कर रही है, और वो 44 एमसीक्यूज आपके इस सर आपकी आवाज फिर स्लो हो गई। ओके, ओके, ह्यूमन फिजियोलॉजी में से आने हो आपके 44 एमसीक्यूज, तो इन एमसीक्यूज को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। सबसे पहले क्या है कि इन जितने चैप्टर्स हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के, उनमें से सिर्फ 1 या 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें कोई कॉन्सेप्ट है या जिसमें कोई आपने अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं आपकी, लेकिन बाकी सब के सब आपके एमसीक्यूज आपके डायरेक्टली या बुक की लाइंस होंगी या घुमा फिर आके बुक की लाइंस दे देगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला। डाइजेशन को पूरा मुकम्मल तौर पर उसने एक टेबल के अंदर उसने यूज कर लिया, वो 3 चीज़ें लाजमी तौर पर करनी है, क्योंकि आप खुद देख लेंगे पिछले 5 से 6 साल के जो टेस्ट आए हुए हैं उनमें स्टमक, इलियम और जो है आपका वो लास्ट वाला टेबल, उसमें से उसमें 3 हर साल होता है एक एक कर, तो लाजमी तौर पर उन चीज़ों को तैयार करिएगा। नेक्स्ट स्लाइड, गैसियस चेंज। चैप्टर बहुत छोटा सा है, वेटेज भी इसकी थोड़ी सी है, लेकिन इसमें से जो एमसीक्यूज सबसे ज़्यादा बन रहे हैं, जो कि पिछले आप जितने भी एमकैट के टेस्ट उठाएंगे इन्हीं टॉपिक्स में से एमसीक्यूज बन के आया हुआ है, वो क्या है, या इस दफ़ा डिजीजेज, पिछले साल डिजीज इंटर हुई हैं, डिजीज भी इंपॉर्टेंट है इसकी, और इसके अलावा जो हर साल पेपर में से एमसीक्यूज बन के आ रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट और हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के डिफरेंस है। ये 2 टॉपिक हैं,
کو ہر سال ایک ایک جو اٹھا رہا ہے انہیں دو ٹاپکس پہ ایم سی کیوز دوبارہ لے گا, تو ان ٹاپکس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیجیے گا. نیکسٹ سلائیڈ, ٹرانسپورٹ. ٹرانسپورٹ ایک لینتھی چیپٹر ہے, اس میں کریبنگ والی بہت سی چیزیں ہیں, اس میں سمجھنے والی بہت سی چیزیں ہیں. سمجھنے والا ٹاپک کون سا ہے آپ کا؟ ہارٹ. ہارٹ پورا کا پورا سمجھنے والا ہے آپ کا, چاہے آپ کارڈک سائیکل لے لیں, چاہے آپ اس کے بلڈ پریشر والے کروز لے لیں, وہ یا چاہے اس کی ڈیزیز لے لیں, تینوں چیزیں سمجھنے والی ہیں. ان کو اچھے طریقے سے سمجھ کے سالو کریے گا, کیونکہ اس چیپٹر میں سے وہ کنسیپچوئل کوسچن نہیں آتا ہے. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ اس میں چیز ہے وہ آپ کا کیا ہے, ہارٹ ہے, بلڈ پریشر ہے, ہارٹ ڈیزیز ہیں, بلڈ سیلز ہیں, پلازما کا پوزیشن ہے اور ہارٹ ڈیزیز ہیں. ان میں سے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں بلڈ سیلس اور جو ان میں سے وہ ہر سال ہم سے پوچھتا ہے فیکٹر آف ہارٹ اور جو آپ کہیں یہ بلڈ سیلس, ان میں سے ہر سال وہ تین ایم سی کیوز بناتے ہیں. دو بلڈ سیل میں سے بناتے ہیں, ایک ہارٹ میں سے بناتے ہیں. تو یہ تو آپ کے نمبر ہیں, ان کو بس آپ پکڑ لیں, چھوڑنا نہیں نمبروں کو. نیکسٹ سلائیڈ, ہومیوسٹیسس. ہومیوسٹیسس پورا کا پورا آپ کا بس ایک ریڈ کرنے والی چیز ہے, اس میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے, اس کے اندر کوئی اس طرح کی گھما پھرا کے پوچھی جانے والی چیز نہیں ہے. چاہے آپ اپنے پاس پیپرز دیکھ لیں, پورے پانچ چھ سال میں جتنے بھی آپ کے آئے ہیں ایم سی کیوز, سارے کے سارے آپ کے جو ہیں وہ سمپل بک کی لائنز ہیں, یا بک کی لائن کو الٹا کر کے اس نے پوچھ لیا بس. تو اس میں جو امپورٹنٹ ٹاپک ہیں وہ آپ کے بولتے ہیں, ایک آپ کے اور ٹرانسپلانٹ, یہ ٹاپکس ہیں جو وہ امپورٹنٹ ہیں اور ان میں سے ایم سی کیوز ہر سال پوچھے جا رہے ہیں. ہاں, آپ نے ایک کام کیا کرنا ہے کہ جو فنکشن آف کڈنی ہے, جس میں پورے کے آپ نے ٹیوبیولس کا فنکشن ایکسپلین کیا ہوا ہے, ہارمونس کا کیا ہوا ہے اور کاؤنٹر میکینزم ایکسپلین کی ہوئی ہے, اس کو ایک دفعہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے گا. ایک دفعہ سمجھ لیں گے, بار بار سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, ریڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, کیونکہ وہ چھوٹا سا کنسیپٹ ہے, وہ کنسیپٹ میں وہ تین چار پیجز ہیں وہ آسان ہو جائیں گے. اوکے, نیکسٹ سلائیڈ پلیز. نروس سسٹم. اوکے, یہ چیپٹر وہ چیپٹر ہے جس میں سے وہ ہر سال آپ کا کنسیپچوئل پورشن لیتے ہیں. جو اس نے 88 ایم سی کیوز بنانے ہیں, ان میں سے اس نے 60-70 بکی لائنس یا سمپل سی ورڈنگ استعمال کرنی ہے, لیکن جو اس نے 18 ایم سی کیوز کنسیپچوئل بنانے ہیں, ان میں سے وہ اس چیپٹر کا سہارا لیتا ہے. اس چیپٹر میں جو اس کے لیے کنسیپٹ وائز چیز ہے اس کے پاس, وہ ایک تو یہ کہ ریفلیکس ایکشن, جو ریفلیکس ایکشن والا آپ کا ٹاپک ہے, اس کے ٹاپک کے نیچے پنک لائن کچھ بھی پوچھ سکتا ہے آپ سے. وہ پاتھ وے لازمی طور پہ دیکھ لیجیے گا. نیورون کا اسٹرکچر, وہ ہر سال ایک ایم سی کیو نیورون کے اسٹرکچر سے پوچھتا ہے. نروس ڈس چھ سال سے ہر سال دو ایم سی کیوز نروس ڈس آرڈر سے پوچھتے آ رہے ہیں. 2016 کا پیپر دیکھیں گے, نروس ڈسر کے ایم سی کیوز کمپلیکس تھے بہت زیادہ, لیکن اس کے اندر پھر بھی ایک دو ورڈز ایسے تھے جو بک کے اٹھائے گئے تھے کہ یہ نروس ڈسر تھا. اس لیے نروس ڈسر کے جو ورڈز ہیں اچھے طریقے سے ان کو آپ کنسیپٹ گین کر لیں, تاکہ آپ جو ہے وہ کہیں سے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ آ کے لے آئے, آپ ورڈس کی میننگ سمجھتے ہیں, آپ کو پتہ کہ ورڈ سے کیا مطلب وہ لے رہا ہے. وہ ڈسیزن ایکشن پوٹینشیل بننا بھی امپرس ڈائگرام, یہ وہ ڈائگرام ہے جو اس نے 2015 میں پوچھی تھی, اور ڈائگرام ہے جو اس کے ساتھ بنی ہوئی ہے, اور سیکنڈ اس کے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں ان کے نام ہیں, نیورو ٹرانسمیٹرز کے نام اور وہ کہاں کہاں باڈی میں یوز ہوتے ہیں وہ, اور جو ڈائگرام بنی ہوئی اس کے ساتھ وہ لازمی طور پہ آپ لوگوں نے فنگر ٹپس پہ رکھی ہے. نیکسٹ سلائیڈ پلیز.
ओके रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में से हर साल जो उसके एमसीक्यूज बनते हैं वो उसने गिने चुने टॉपिक्स रखे हुए उनमें से एमसीक्यूज बनाता है, मेस्ट्रोसाइकल से बनाता है, गैमेटोजेनेसिस की डायग्राम से बनाता है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बनाता है। 5 एमसीक्यूज आने हैं, 2 डिजीजेस में से आते हैं, एक चैप्टर में कहीं से भी आ जाता है, एक मेस्ट्रोसाइकल से आता है और एक गैमेटोजेनेसिस में से आता है। तो अब आप मेस्ट्रोसाइकल और इसके साथ जो डायग्राम्स हैं इसकी वो लाजमी तौर पे रीड करें और अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि वो उधर से एक कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज बनाता है हार्मोन्स का, कि हार्मोन्स किस स्टेज पे कौन सा हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, कौन सा हार्मोन डिक्रीज हो जाता है। तो वो आपने लाजमी तौर पर एक कॉन्सेप्ट गेन कर लेना है। और बाकी एक आपने जो एक चीज़ आपने तैयार करनी है कि जो मेरे प्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी एक डायग्राम दी गई है टेक्स्ट बुक में, उस डायग्राम में बहुत से मेरे प्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स लिखे हुए हैं, वो पार्ट्स लेकिन साथ थ्योरी में नहीं लिखे हुए, उन पार्ट्स को अच्छे तरीके से आपने गेन करना है, ठीक है। बाकी इसमें कोई ज़्यादा पढ़नी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। स्पोर्ट एंड मूवमेंट, स्पोर्ट एंड मूवमेंट फिर आपका एक क्रैम या आप समझ लीजिए कि याद करने वाली चीज़ है, कोई इसमें से कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है। हाँ, जो कॉन्सेप्चुअल बन सकती है वो आपका एक ही टॉपिक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल एंड स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, दो टॉपिक हैं, सिंपल से हैं। एक दफ़ा अच्छे तरीके से बुक से रीड कर लें, और कहीं से रीड करने की जरूरत नहीं है, बुक से रीड कर लें उसका डायग्राम देखिए और कवर हो जाएगा। हार्मोन्स, हार्मोन्स पूरा का पूरा कोई कंसेप्ट नहीं है इस चीज़ के अंदर, आपकी क्रैमिंग बेस्ड है, मेमोरी बेस्ड है, आपका नॉलेज बेस्ड है कि आप कितने अच्छे तरीके से आपकी क्रैमिंग एबिलिटी है या कितनी अच्छी आपकी मेमोरी है कि आप इस चीज़ को रीड कर लेंगे। तो इसमें कोई वैसे एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है नहीं। हाँ, ये है कि हर साल वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके हैं ग्रेनेड्स हैं इनमें से हर साल एमसीक्यूज पूछते हैं, इनको अच्छे तरीके से सर आपकी आवाज फिर खत्म हो जाती है, प्लीज काइंडली। ओके नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप ना माइक पीछे ना कीजिए अगर। ओके अब नहीं करता। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत छोटा है लेकिन इसमें से तकरीबन 2 या 3 पेज हैं टोटल इसके, लेकिन इसमें से एमसीक्यूज 4 बनते हैं। अब आपने क्या करना है, बुक में उसने हर चीज़ को ना खिला के रायता बनाया हुआ उसका, तो आपने क्या करना है उस रायते से आपने एक अच्छी सी डिश बना लेनी है, आपने एक अच्छी सी क्या कहते हैं ना इसकी एक समरी कर ले, एक अच्छी सी छोटी सी समरी बना लें चैप्टर की और तकरीबन 1 पेज की बनेगी वो, और वो समरी अपने पास रख लें ताकि बार बार आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सिंपल वो एक दफ़ा समरी ग्रो थ्रू किया आपने और आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो गया। तो आपने बस इसकी मैं ये बोलूँगा एक छोटी सी शॉर्ट लिस्टिंग कर लें इसकी, और वो संभाल के भी रखिएगा ताकि एंड तक आपके पास रहे, बाकी ताकि बार बार वो 4 से 5 चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ओके नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बायोएनर्जेटिक्स, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि तकरीबन 18 एमसीक्यूज आपके आने हैं कॉन्सेप्चुअल वाइज, तो उन 18 एमसीक्यूज में से इस चैप्टर का पोर्शन है 5 एमसीक्यूज का, और बिलीव मी उन 5 में से 1 कोई होगा बुक की लाइन, बाकी 4 के 4 कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होंगे, क्योंकि ये चैप्टर है ही सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड। कभी आपसे वो वाटर के मॉलिक्यूल्स पूछते हैं, कभी आपको वो CO2 के मॉलिक्यूल्स पूछते हैं, कभी वो बिटवीन द लाइन कोई चीज ऐसी होती है जो उसने बुक में नहीं लिखी होती वो पूछ लेता है, और रीड कॉन्सेप्ट भी लेना है। अकेडमीज में जाता है पूरा का पूरा लेक्चर नोट करें इसका, चाहे वो बुक में चीज लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है, आपने वो लाजमी तौर पर नोट करें, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जिसमें से वो जरूर कोई ना कोई कंसेप्ट सवाल पूछता है। चैप्टर की तमाम डायग्राम्स को अच्छे तरीके से रीड करना है, लेकिन डायग्राम्स के साथ थ्योरी भी रीड करनी है, क्योंकि ऐसी 1-2 डायग्राम्स हैं जैसे कि वो एक क्रैब साइकिल की डायग्राम है जिसमें उसने पिट्यूटरी जो है उसने वाटर का मॉलिक्यूल ऐड नहीं किया हुआ डायग्राम में, लेकिन थ्योरी में ऐड किया हुआ है उसने, वो थ्योरी को साथ साथ पढ़ें ताकि थ्योरी में चीज़ लिखी हुई है वो डायग्राम्स में ऐड कर सकें आराम।
डायग्राम्स अच्छे तरीके से करनी है और साथ थ्योरी एक दफ़ा रीड करें, तभी ये चैप्टर कवर होगा। आपने एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम टॉपिक अच्छे तरीके से करना है। और इस चैप्टर में से रीड करने वाले फिर बता दो, इस चैप्टर के डायग्राम्स अच्छे तरीके से करिएगा, क्योंकि 5 में से 4 से 3 इंस्टीट्यूट वो हर साल कंसेप्ट पे इसके डायग्राम पे पूछते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये तीन चैप्टर ना तकरीबन इनमें से 5, 3 और 3 11 एमसीक्यूज इन तीन चैप्टर्स में से बनना है, लेकिन ये चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं जो सिर्फ एक या दो दफ़ा रीड करने पे, अगर आपने सिर्फ एक या दो दफ़ा रीड कर लेना तो टिल एंड आपको ये दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप अच्छे तरीके से करने। बायोटेक्नोलॉजी गिने चुने टॉपिक्स हैं, गिनी चुनी लाइन्स हैं, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ है नहीं। ये ऐसा चैप्टर है जो मार्कर से या आपने हाइलाइटर से हाईलाइट कर लें और उनको बार बार रीड करते रहें, वही आपकी इसमें से चीज़ है, बाकी चैप्टर में से कोई चीज़ नहीं है। इकोसिस्टम एक दफ़ा रीड कर लेंगे, चाहे कैसा भी एमसीक्यूज आ जाए, चाहे कैसा भी कॉन्सेप्ट उठा ले, वो आपको आता होगा। वो एवोल्यूशन, एवोल्यूशन में एक चीज़ जो अब आपने करनी है कि बाकी सारी एवोल्यूशन का टॉपिक तो मुकम्मल तौर पे आपका एक मेमोरी बेस्ड चीज़ है, लेकिन हार्डी वेनमन जो थ्योरम है उसका, उसमें से वो न्यूमेरिकल पूछ सकता है आपसे, उसमें से कोई कंसेप्ट उठा के पूछ सकता है। तो लाजमी तौर पर हार्डी वेनमन थ्योरम का जो कंसेप्ट है, जो ऐसे एग्जाम्पल दी गई हैं, जो उसके टॉपिक से पीछे एग्जाम्पल दी गई है, वो सारी की सारी करिएगा, और एक्सरसाइज में उसके न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं वो करें, जो आपकी एकेडमीज हैं उनमें आपकी इसके क्रिएटिव न्यूमेरिकल्स आएंगे वो करें, तभी ये टॉपिक क्लियर होगा। लेकिन आपने अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल्स मैथमेटिकली या किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे तरीके से आपने गेन करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, ये वो चैप्टर है जिसके अंदर उसने 3 चैप्टर्स को मर्ज किया। सेकेंड ये कि 3 चैप्टर्स हैं, एक इनहेरिटेंस है, एक DNA है और जेनेटिक्स है। ये 3 चैप्टर उसने मिला, और सॉरी सेल साइकिल है, ये 3 चैप्टर उसने मिला के एक ही चैप्टर बना दिया है। और इसका पूरा का पूरा सिलेबस है वो समझ लें कि आप एक किस्म का पूरा का पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी जितना है, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी से 44 MCQs आ रहे हैं, इनमें से 8 MCQs आ रहे हैं। जो 2017 में उसने MCQs पूछे थे वो उसने सिर्फ एक ही टॉपिक को छेड़ा था, और वो टॉपिक था आपका जेनेटिक्स। लेकिन अब यहाँ पे जो मेन चीज आपकी गेन करने वाली है, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से रीड, कितनी दफा रीड कर सकते हैं, 2 दफा लाजमी रीड करें ताकि कोई चीज भूले ना। सबसे पहले क्या करना है आपने, मेंडल से लॉ अच्छे तरीके से, चाहे आपको अकेडमी से पढ़ाया जाए, चाहे आप इससे में समझ लें, लेकिन आपने मेंडल्स के लॉ को अच्छे तरीके से गेन करना है, क्योंकि 2017 का जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें जो मेंडल्स के लॉ में से क्वेश्चंस आए थे वो कोई बुक बेस्ड नहीं थे। वो अगर आपने देखा हो कि ना मेंडल्स के लॉ से पहले पी की कुछ उसने दी हुई है, कैरेक्टर्स दिए हुए हैं कि कौन से डोमिनेंट है कौन से रिसेसिव है, उसने डोमिनेंट और रिसेसिव करेक्टर्स को उठा के उसने मेंडल्स के ला जो बेसिक उसकी डेफिनेशन है उस पर अप्लाई करके उसने एमसीक्यूज बनाए थे कि बच्चों को कितने अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन अब आपने क्या कहा, अब वहाँ पे क्या हुआ, बहुत से बच्चे करके आए, क्योंकि हम लोग अगर आप कनेक्ट डे वाला तरीके से चीज समझ लेंगे तो आपको मेंडल्स का समझने में बहुत आसानी होगी। लाजमी तौर पर मेंडल्स का को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप फिर यही चांसेस हैं वो मेंडल्स का में से एक या दो आपके जो है ना कंसेप्ट में यूज उठाएगा। बाकी चैप्टर को अच्छे तरीके से रीड करिए, और अच्छे तरीके से रीड करने का मतलब नीचे लिखी हुई चीज़ें बिटवीन द लाइन्स जो चीज़ें आ जाती हैं वो अच्छे तरीके से करिएगा, बाकी इसमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। सेल्फ साइकिल उसकी एक आप छोटी सी ना बना लें, की बना लें, उसकी छोटी सी शॉर्ट लिस्टिंग कर लें, पूरा चैप्टर रीड करने की जरूरत ना पड़े आपको। आई होप आपको अच्छी तरीके से गेन कर लिया होगा, बाकी कोई भी सवाल हो तो आप क्वेश्चन सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
जेरिया आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, हाँ जी आ रही है, प्लीज मैं आपको।